इंदुभूषण कुमार, जैसे कि आपको इस वीडियो के थंबनेल में देखकर पता चल गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोग आधार सेंटर कैसे ओपन करेंगे और उस कंपनी से आप लोग आधार सेंटर ओपन करेंगे जो कंपनी यूआईडी पे रजिस्टर होगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि वो कौन कौन सा कंपनी है जो यूआईडी पे रजिस्टर है। उसके बाद हम जानेंगे कि उस कंपनी के द्वारा हमको कैसे आधार सेंटर मिलता है और हमको जो आधार सेंटर मिलेंगे इसमें हमको क्या चार्ज लगेंगे और इसमें हमको कौन कौन सा काम मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाले हैं। इससे पहले हम इस वीडियो में बताए हैं कि कौन कौन सा कंपनी है जिसके द्वारा आप लोग आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएंगे, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और हम यहाँ पे सर्च करते हैं। सबसे पहले यूआईडी सर्च करेंगे क्योंकि यूआईडी ही ऐसा पोर्टल है जो कि आधार का काम देखता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूआईडी सर्च कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम यूआईडी का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे। यूआईडी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है इको सिस्टम का, सिंपली आपको इस पे माउस रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे MOUS का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे में जो एक ऑप्शन मिल रहे हैं MOUS सिग्नेट विथ नॉन स्टेट रजिस्टर, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस कंपनी के द्वारा, ठीक है, यूआईडी में जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है वो आपको सामने देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप लोग नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पे एक कंपनी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम वो दिखा देते हैं। वो कंपनी है UTI ITSL। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि इस कंपनी के द्वारा हमको आधार सेंटर कैसे ओपन करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे UTI ITSL पे क्लिक करते हैं तो जो भी इसका सर्टिफिकेट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि यूआईडी की ओर से मिला है। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, आपको यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट भी देखने को मिल रहा है। अगर नीचे करेंगे तो इसका ऑल डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि आपको इस कंपनी के द्वारा आधार सेंटर कैसे ओपन करना है। चलिए इस कंपनी का नाम हम पहले यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम गूगल पे सर्च करते हैं। ठीक है, जैसे गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर में ही इसका वेबसाइट मिल जाएंगे। ठीक है, इसका ऊपर में सबसे ऊपर में ही इसका वेबसाइट मिल जाएंगे। हालांकि इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे, वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इसके वेबसाइट पे आ जाओगे। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि कोई भी वेबसाइट पे आपको आना है, फेक वेबसाइट पे नहीं आना। अगर आप लोग फेक वेबसाइट पे आओगे तो फिर आपका लॉस ही लगेगा। ठीक है, तो आपको फेक वेबसाइट पे नहीं आना है, जो जेन्युइन वेबसाइट है उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएंगे जो कि UTI ITSL का वेबसाइट है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहे हैं आधार सेवा केंद्र। ठीक है, व्यू डिटेल्स पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। व्यू डिटेल्स से इस पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे सर्विस, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो सर्विस अवेलेबल एंड फीस है। आपको यहाँ पे सर्विस अवेलेबल एंड फीस है, तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा सर्विस हमको कितना रुपया चार्ज देना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे आधार इनरोलमेंट बच्चे का चाहे जवान का किसी का भी आधार कार्ड बनाते हैं तो वो इस कंपनी के द्वारा आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, ये जो कंपनी है UTI ITSL, अगर इसके द्वारा आप लोग आधार कार्ड बनाते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में आधार कार्ड बनेगा, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। उसके बाद है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट, अगर आप लोग बायोमेट्रिक मैंडेटरी अपडेट करते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, ये भी बिल्कुल फ्री है। ठीक है, उसके बाद अगर आप फुल बायोमेट्रिक अपडेट करें, जैसे बायोमेट्रिक हो गया, डेमोग्राफिक अपडेट हो गया, ये सब अपडेट करेंगे तो आपको 100 का चार्ज इस कंपनी को देना होगा। ठीक है, उसके बाद है ओनली डेमोग्राफिक अपडेट, अगर ओनली डेमोग्राफिक अपडेट करते हैं तो आपको 50 रुपया का चार्ज देना होगा। डेमोग्राफिक में आपका मोबाइल नंबर वगैरह आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं तो आपको 30 रुपया का चार्ज देना होगा। ठीक है, तो अब आप लोग समझ लिए होंगे कि इसमें कितना रुपया चार्ज देना होता है। चलिए हम फिर से आपको बता देते हैं। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे नया आधार कार्ड बनाते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, बिल्कुल फ्री है। उसके बाद अगर आप लोग बायोमेट्रिक अपडेट करते हैं तो भी आपको बिल्कुल फ्री है, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट है। ठीक है, अगर फुल बायोमेट्रिक अपडेट करते हैं, जैसे आप लोग फोटो चेंज करते हो या आप लोग अंगूठे का जो निशान होता है वो किसी का काम नहीं करता, वो चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पे 100 का चार्ज देना होगा। अगर आप लोग यहाँ पे ओनली डेमोग्राफिक अपडेट करते हैं जिसमें आपको सिर्फ मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट होता है, ईमेल आईडी, तो आपको यहाँ पे 50 रुपया का चार्ज देना होगा। उसके बाद अगर आप लोग आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं कलर प्रिंट में तो आपको यहाँ पे 30 रुपया का चार्ज देना होगा। इसमें मोबाइल नंबर लिंक रहना कोई भी जरूरी नहीं है, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो भी आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इस कंपनी के द्वारा हमको आधार सेंटर कैसे लेना है। तो देखिए, आधार सेंटर लेने के लिए सबसे पहले तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। हम पहले डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं कि आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसके बाद आपके पास यहाँ पे आधार का सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
ठीक है, सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। उसके बाद आपके पास बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, जिसमें आपका पास ये कैंसल चेकबुक होना चाहिए, ठीक है, कैंसल चेकबुक। उसके बाद आपको यहाँ पे कौन कौन सा चीज़ होना चाहिए, यहाँ पे आपको अब कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है ये कंपनी पुलिस वेरिफिकेशन भी मांग ले, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन भी रहेगा, ठीक है। स्टैटिक एपी की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी इस कंपनी में, जब आपका जरूरत होगा तो ये कंपनी मांग लेगी, और स्टैटिक एपी आपको यहाँ पे साधारण रूप से मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी ब्रॉडबैंड यूज वगैरह करते हैं, जैसे BSNL वगैरह का, तो आपको यहाँ पे स्टैटिक एपी मिल जाता है, वो स्टैटिक एपी से आप लोग यहाँ पे आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। अब बहुत सारे भाई का सवाल आता होगा कि सर स्टैटिक एपी क्या है, ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं कि स्टैटिक आईडी क्या है। तो जैसे आप इंटरनेट यूज करते हैं तो वहां पे आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, वो आईपी नंबर होता है, वो नंबर प्रोवाइड किया जाता है, वो नंबर से आपके आधार कार्ड का जो भी आईडी मिलता है, ठीक है, उसे व्हाइट लिस्ट किया जाता है। आपके आधार कार्ड का जो आईडी मिलता है उस स्टैटिक आईडी से आपका व्हाइट लिस्ट होता है। उसके बाद उसी इंटरनेट से ये चलेगा, ठीक है। उसके बाद ही अगर आप उसमें लिंक रहेगा तभी आपका आधार वाला वेबसाइट खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा, ठीक है। तो यही है स्टैटिक आईडी। अब जान लेते हैं कि आपको आधार सेंटर लेना कैसे है। आधार सेंटर लेने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है, सबसे ऊपर में अगर आप लोग देखोगे तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि हम यहाँ पे निशान लगा के दिखा देते हैं। आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिल रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले है पेन इंक्वायरीज का, अगर आपको पेन रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। फॉर अदर इंक्वायरीज है, और यहाँ पे इलेक्शन ऑफ ग्रांस रेडियंसल है, उसके बाद ब्रांच लोकेटर है। तो सिंपली आपको यहाँ पे अगर ब्रांच लोकेटर पे क्लिक करेंगे तो इसमें जितने भी ब्रांच होंगे वो आपके सामने ओपन होके आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे किस रिलेटेड क्वेरी चाहिए तो आपको अदर क्वेरीज पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 4 स्टेट शो कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम ऊपर स्टेट कौन कौन सा है वो दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मुंबई का ऑप्शन मिल जाएंगे, कोलकाता का ऑप्शन मिल जाएंगे, चेन्नई का ऑप्शन मिल जाएंगे, न्यू दिल्ली का ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे आधार का काम लेना चाहते हैं तो आपको यही 4 डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है, वहीं से होगा। जैसे मुंबई से कोई है, कोलकाता से कोई है, चेन्नई से कोई है, या न्यू दिल्ली से कोई है, तो इसी को आधार सेंटर मिलेंगे इस कंपनी के द्वारा। अब आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ठीक है, कोई MP से है, ठीक है, कोई बिहार से है, ठीक है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई वेस्ट बंगाल से है, ठीक है, वो भी आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं, तो वो कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। देखिए, इसके लिए आपको अदर कंपनी जो है उनसे कॉन्टेक्ट करना होगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ऐसा कंपनी के बारे में बता दूंगा जो ऑल इंडिया प्रोवाइड करती है। अगर आप लोग यहाँ पे UTI की बात करें तो आपको यहाँ पे 4 स्टेट में ही इसका ब्रांच ओपन होगा, जो कि अदर ब्रांच अभी फिलहाल में नहीं है, धीरे धीरे ये अपना ब्रांच बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग मुंबई से, कोलकाता से, चेन्नई से, दिल्ली से है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट कंपनी के नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं और आधार रिलेटेड जानकारी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे आधार सेंटर ओपन हो जाता है इस कंपनी के द्वारा, ठीक है।